मैं आप सभी को एक बात बता दूं, अगर ये काला कानून ड्राइवर लोग का नहीं हटेगा तो मैं तो गाड़ी नहीं चलाने वाला हूँ। मैं गाड़ी को अपना सब गाड़ी को बेच दूंगा, गाड़ी तो मैं नहीं चलाऊंगा ही। तो हम लोग देखते हैं, अगर ये नियम रहेगा तो हम लोग तो कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे। आप चलाओगे गाड़ी? मैं नहीं चलाऊंगा। हम लोग कुछ भी काम कर लेंगे लेकिन गाड़ी वाड़ी नहीं चलाएंगे। इतना सारा बैगन। मैं अभी पहुंचा हूं छत्तीसगढ़ आरटीओ चेक पोस्ट, जो कि देख लो कैसे रुकवा रहे हैं पैसे के लिए। ये खा रहे हम लोग, क्या बोलते हैं, मुड़को। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ कि आज है 3 तारीख और आज मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ घर से, और अपना दीपक बहन है जो है वो भी आ गया है, और इधर से देख लो गाइस। तो अभी चलते हैं हम लोग सबसे पहले लोडिंग में। कहाँ पे लोडिंग में जाना है पता नहीं है मेरे को। और दीपक भाई अभी अपना आ गया है और मेरे गाड़ी में झिल्ली डला हुआ है। भाई उड़ीसा से आए हैं तो इनको कुछ काम है, तो इनको इन्हीं को मैं लेके जा रहा हूँ। दीपक भाई यहीं पे खड़े हैं, भाई और दीपक, तो हम लोग जा रहे हैं। चले ना भाई, चलो चलो चलते हैं हम लोग लोडिंग में। मैं कुमारी में डलवाता हूँ हमेशा डीजल, तो अभी फोन लगाया था मैं वहाँ पर, मेरे पास नंबर है वहाँ का, तो वहाँ पर तो डीजल है नहीं, तो देखते हैं अपने भिलाई में ही यहीं पर डलवाता हूँ भाई। 7 बज गया है सुबह, अभी यहीं छोनी चौक में रुका हूँ मैं, भारत के पेट्रोलियम में घर के पास में। तो अभी यहीं पर टंकी फुल होगा अपना, तो वहाँ पे डीजल है देख लो, ट्रक ट्रेलर भी लगी हुई है और पेट्रोल तो खत्म हो गया, पेट्रोल है नहीं यहाँ पे। देखो तो डीजल का जो रीडिंग मशीन चालू है, देख लो डीजल फुल कर रहा हूँ मैं। मैं डीजल फुल हो गया है जो कि 4700 का आया है, तो इतना अभी हम लोग को डीजल मिल गया वही बहुत है। तो चलो अभी निकलते हैं टंकी। हमारे टोल प्लाजा में रुका हूँ गाइस, देख लो पूरा खाली है और मेरे फास्टैग जो है उसमें पैसा नहीं है, मैं चिपकाया नहीं हूँ इसमें पैसा नहीं है, पैसा डाल दिया हूँ, लगभग 7 मिनट हो गया है, 10 मिनट में खुल जाता है। तो देख लो ज़्यादा गाड़ियाँ तो नहीं चल रही है रोड में। पहुँचा हूँ पचपेड़ी नाका रायपुर, और मेरे को जाना है राजिम लोडिंग के लिए, तो अभी यहीं से मैं राइट टर्न लूँगा। तो राजिम रोड तो बन रहा है, अभी बना नहीं है अच्छे से। अभी हम लोग पहुंचे हैं राजिम में, और राजिम में आपको आप लोगों को ब्रिज दिखाता हूं जहां पर मेला लगता है। तो अभी क्या है ना, ओस के वजह से उतना दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से। अभी हम लोग रुके हैं पिंगेश्वर के पास में, जो कि नाश्ता करने के लिए, करके बाड़ी में जाए कुछ मिलेगा नहीं और भूख तो लगा हुआ है। खाली है बड़ा और भजिया खाते हैं। हम लोग बाड़ी आ गए हैं, ये बाड़ी का गेट। तो ये बैगन आटा। तो गाड़ी तो मैं लगा दिया हूँ यहाँ पर, तो कि धूप बहुत है, काला दिख रहा हूँ मैं। तो ये देखो गाइस, बैगन यहाँ पूरा रखा हुआ है, तोड़ दिए हैं, और अपनी जाली वाली खोल देता हूँ मैं गाड़ी का, और झिल्ली में लोड होगा अपने गाड़ी में। देखो बैगन, हाँ झिल्ली में पैकेट पूरा पैक हो गया है भाटा, और भाई लोग अभी कार्टून लगा रहे हैं, उसके बाद लोड होगा, और अभी और ऊपर डाल रहे हैं। तो गाड़ी पूरा लोड हो गया, रस्सी तिरपाल मार दिया हूँ, हाथ मेरा पूरा गंदा हो गया है, देखो रस्सी तिरपाल जैसे ही मार दिया हूँ। अब चलो हम लोग निकलते हैं यहाँ से, 3:30 बज गया है दोपहर का, खाना भी कुछ नहीं खाया हूँ, भूख लगा बहुत तेज। तो फिर रुके हम लोग बिरयानी खाने के लिए महासमुंद में, क्योंकि 3:30 हो गया ढाबा पहुँचते पहुँचते, तो गाइस भूख भूख तो मेरा वाट लग जाएगा, तो बिरयानी दुकान देख गया तो यहीं खा लेता हूँ।
हमारा महासमुंद का बिरयानी भाई है, तो हम लोग खाते हैं फटाफट निकलते हैं, संबलपुर जाना ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। तो दोस्तों मैं हाईवे में पहुंच गया हूं जो कि तुमगांव, महासमुंद जिला तुमगांव। पहुंचा मैं पिथौरा टोल प्लाजा, ये फास्टैग आज चिपकाऊंगा इसको, खुल गया। यहाँ पर एक गाड़ी और खड़ा है जो घर के पास लड़का नहीं रहता है, सोनू, उसका गाड़ी है ये, तो बैठा है। अभी चलो उतरते हैं, थोड़ा सा टॉयलेट वॉयलेट जाएंगे। रोहित भाई है जो काला काला दिख रहा है धूप में, इधर आओ यार थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, क्या किया हूँ मैं आपके साथ, आपकी गर्लफ्रेंड को पटा लिया क्या? चक को यहाँ पे चिपका दिया हूँ अपना परमानेंट। ये देखो रोहित भाई क्या खिला रहे हैं मेरे को, खाना खाओ। तो देख लो अब मैं खाऊंगा तो रो देंगे क्या। और ये क्या कर रहा है मेरे गाड़ी से, मेरे यहाँ भाटा लोडा है, इसमें शिमला लोडा है गाइस, ये पहले चार सुगड़ा जाएगा। दोनों गाड़ी है और अभी हम लोग निकल रहे हैं गाइस, तो पीछे भी है, चलो हम निकलते हैं अब। भाइयों यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, जो कि ये गाड़ी में जाके लोग टकरा के गिर गए हैं, जो कि धूल की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब इसमें भी ड्राइवर की गलती है। अभी मैं पहुंचा हूँ हीराकुंड डैम संबलपुर। संबलपुर मेरे को जाना था, संबलपुर पहुंच गया हूँ, देखते हैं। और आज आप लोगों को मैं संबलपुर मंडी का लोकेशन दिखाऊंगा, आप लोगों को कैसे जाना है अगर बाहर से आते हैं तो, सब गाड़ी वाले। तो अभी संबलपुर में देख लो ये ब्रिज पार कर दिया हूँ, जो कि हीराकुंड डैम वाला ब्रिज था। तो अभी यहाँ से मैं कैसे जाऊँगा आप लोग को दिखाता हूँ। पड़ेगा फाटक पड़ेगा देख लो, और बगल में महिंद्रा का शोरूम है। चौक के पास ब्रेकर है, तो अब यही गाड़ी खड़ा करूंगा, वो भाई हैं जो मेरे साथ जाएंगे। पहले चौक से ही आप लोग को यहाँ से राइट ले लेना है, तो कोई सी भी गाड़ी ले सकती है, राइट लेना है यहाँ पे। देखो मैं राइट ले रहा हूँ अभी, देखो ये मंदिर है, तो यहाँ से रॉन्ग साइड से आप लोग को पूरा सीधा जाना है। लोगों को बता दो ये सर्विस रोड में कोई सी भी गाड़ी आ सकती है, ट्रक भी आ सकती है, सब गाड़ी ये रोड में आ सकती है, बहुत बड़ा रोड है ये। हो गया, उसके बाद यहाँ पे टोयोटा का शोरूम है, जो कि बगल में, जस्ट उसके बगल में ही रोड है, देख लो टोयोटा का शोरूम है आगे में। उसके बाद से रोड में आ जाना आपको 1 किलोमीटर आने के बाद, यहाँ गाड़ी का कांटा भी हो जाता है। ये संबलपुर का मंडी, संबलपुर का मंडी। तो आ गए हम लोग संबलपुर का मंडी, आज तो गाड़ी खाली नहीं होगा, रस्सी तिरपाल में खोला नहीं हूँ, तो ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।